just, they're so rich and they're so beautiful, and they're so inspired by the colors of earth, the colors of vegetation, the colors of the sun. और हर पेंटिंग में, हर वर्क में एक स्पिरिचुअल मोटिव है जो बिल्कुल खुला है इंटरप्रिटेशन के लिए. तो इन्होंने जो सोच के पेंट किया और मैंने जो देख के इंटरप्रेट किया वो शायद अलग हो सकते हैं. पर सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी आप किसी वर्क को देखते हैं तो सबसे पहले आपका दिल छू जाता है, हार्ट टच हो जाता है और फिर एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है. एंड दैट इज़ व्हाट गुड आर्ट शुड डू. तो जब भी आप किसी पेंटिंग को देखते हैं और दो लोगों या तीन चार लोगों के बीच बातचीत शुरू होती है उस वर्क पर, तो फिर वो वर्क ब्यूटीफुल है, सक्सेसफुल है, कहीं आपके दिल को छू गया है वो वर्क. मैं थोड़ा पॉटरी करती हूँ कभी कभार, और मैं लाइन ड्राइंग्स करती हूँ ड्राइंग्स. पर अभी तक शायद मैं आपके पास आऊँगी लेसन्स के लिए. मैंने कैनवस पर कभी ऑयल वर्क्स नहीं किए हैं. तो मेरे घर में इनफैक्ट मेरे लिविंग रूम में ही 1 2 3 4 5 वर्क्स. वो अब बिल्कुल मेरे लिविंग रूम में जाएगा या बिल्कुल लिविंग रूम के बाहर जैसे लोग अंदर आते हैं वहाँ पे मैं लगा दूँगी. तो फील होना चाहिए, बिल्कुल फील होना चाहिए. फॉर मी आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट आर्ट लाइक दैट. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है या ये नहीं. It's all about how the painting makes you feel and whether you can live with it for the that is first thing. It should be in your house. You're living with it. Yes, it should bring you. It should make you feel something, right. Not sad. Make you feel happy. Make you feel good.